हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? ओके, सो आई होप आप अच्छे ही होंगे और आप डेली स्टडी भी कर रहे होंगे, है ना। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 की जो वर्कशीट है पेज नंबर 90 पे दी हुई है वो मैं आपका आज समझा के देने वाली हूँ। देखो, आपने इसका होमवर्क कर लिया होगा, नंबर स्टोरीज, विजिट टू अ फार्म, ये आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया ना सभी ने। ओके, तो उसके बाद का जो पेज नंबर है 90 वो ओपन करो और वहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है वर्कशीट जो कि आपको सॉल्व करनी है। देखो बच्चों, वहाँ पे आपको स्मॉल से स्टोरी दी हुई है तो और उस स्टोरी में से हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए हमें स्टोरी अच्छे से रीड करनी पड़ेगी। तो ये स्टोरी पहले हम रीड करेंगे, देन उसके बाद उनके आंसर सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये स्टोरी कंप्लीट होगी। ओके, तो मैं आप पहले रीड करती हूँ। आप सभी ने पेज नंबर 90 ओपन किया, पेज नंबर 19 ओपन करो और ये स्टोरी आपको मेरे साथ रीड करनी है। ओके, सो रीड करो। देखो, रीड द स्टोरी एंड ऐड और सब्सट्रैक्ट, मीन्स ऐड एंड सब्सट्रैक्ट मीन्स आपको इस स्टोरी में एडिशन भी करनी है और सब्सट्रैक्शन भी करना है। तो ये कब पता चलेगा? जब हम ये पूरी स्टोरी रीड करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस जगह पे हमें सब्सट्रैक्शन करना है और किस जगह पे हमें एडिशन करनी है ना। तो आपको पहले स्टोरी रीड करनी पड़ेगी, तो चलो हम करते हैं। देखो, मिस्टर जॉन्स हैज अ फार्म, मिस्टर जॉन्स के पास एक खेत है। वहाँ पे देखो क्या है, देयर आर हेन्स एंड डक ऑन हिज फार्म, उनके खेत में कुछ हेन्स है और डक है। तो इसके बाद हमें अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 1, 2, 3, 4, कितने हैं, 1, 2, 3, 4 फाइव एग्जाम्पल से। तो इस फाइव एग्जाम्पल में ही स्टोरी छुपी हुई है, तो उसके लिए हमें रीड करेंगे हम। देखो, मंडे, आपने ओपन किया बुक, ओपन करो, मैं यहाँ पे इसे रीड करती हूँ, आप उसके बाद आप रीड करो। तो पहला एग्जाम्पल मीन्स वो स्टोरी है, लेकिन उसकी जो मंडे दिया हुआ है वहाँ पे, मंडे यानी मंडे जो हमारा पूरा वीक है उसके रिलेटेड ही ये पूरी स्टोरी है। तो वो देखते हैं क्या होता है। मंडे मीन्स मंडे को क्या हुआ, मिस्टर जॉन गॉट 50 egg from the hay, मीन्स मिस्टर जॉन ने कितने एग लिए, कितने एग हुए उनके पास मंडे को, 50 egg उनके पास मंडे को आए, उसके किसने से, हेंस में से उनके पास 50 egg आए। देन ही शूल्ड 22 egg, ही इज नाउ लेफ्ट विथ एग, मीन्स उसमें से 22 egg खराब हो गए। तो उनके पास मीन्स वहाँ से कितने लेफ्ट हुए, लेफ्ट बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। देखो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल राइट किया हुआ है, मंडे मिस्टर जॉन्स गॉट 50 eggs फ्रॉम द हेंस, ही शोल्ड 22 egg, ही इज नाउ लेफ्ट विथ हाउ मेनी एग। अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेफ्ट, उस मीन्स 50 में से 22 लेफ्ट हुए हैं, लेफ्ट है ना, वो उनमें से खराब हो गए होंगे या गिरकर टूट गए होंगे, तो उसमें से वो कम हो गए 22 egg। तो हमें पता करना है कि वहाँ पे कितने रिमेन है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एड सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन का सिंबल आपको पता है, माइनस, पहले यहाँ पे हम माइनस देंगे क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं है माइनस, तो आपको ही राइट करना है वहाँ पे, तो आपको ही पता करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है या एडिशन करनी है। ओके, तो ये एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले हमें 50 को राइट करना पड़ेगा, 50 को हमने यहाँ पे राइट किया, देन 22 को हम राइट करेंगे। ओके, अभी 15 में से 22 माइनस करने, तो कैसे करेंगे, देखो 15 में से 22 डायरेक्टली तो हम माइनस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीग्रुपिंग का एग्जांपल हमें एक वन सॉल्व करना पड़ेगा। 0 में से 2 माइनस नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो
नेक्स्ट जो प्लेस है टेंस प्लेस, उसमें से वन हम वंस की प्लेस पर लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, ये फाइव में से वन हम यहाँ पे वंस की प्लेस पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, टेन, टेन में से टू माइनस करो, टेन में से टू माइनस किए तो कितना रहता है, एट रिमेन रहता है। और यहाँ पे फाइव में से वन हमने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे कितने रिमेन रहेंगे, फोर ही रिमेन रहेंगे। तो फोर में से टू माइनस करो, फोर में से टू माइनस किए तो कितना रहता है, ट्वेंटी एट। कितना है, ट्वेंटी एट। तो हम ये आंसर यहाँ पे लिखेंगे ट्वेंटी एट। इस अगर पहला एग्जांपल सॉल्व नहीं किया तो इस दूसरा एग्जांपल आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो आंसर आता है पहले एग्जांपल का उसको ही लेकर हमें नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अभी ये हो गया मंडे का, नेक्स्ट डे ट्यूसडे। ट्यूसडे में क्या हुआ, मिस्टर जॉन्स गॉट 90 मोर एग, ही नाउ हैज एग। अभी देखो मंडे को कितने खराब हुए थे, 22, तो उसमें से कितने रिमेन रहे थे, पहले उनके पास 50 थे, 50 में से 22 मींस 15 में से 22 माइनस हो गए, तो हाउ मेनी रिमेन, 28 इज रिमेन। तो अभी 28 ऑलरेडी है उनके पास। और नेक्स्ट डे ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को जॉन्स गॉट 90 मोर एग, मीन्स ट्यूसडे नेक्स्ट डे उन्होंने फिर से उनको हेंस के पास में से फिर से उनको 90 एग मिल गए। तो हमें अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसमें हमें करना पड़ेगा एडिशन। अभी इनको और वो जो और नेक्स्ट डे के 19 है उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके देखो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, मिस्टर जॉन्स गॉट मीन ट्यूसडे नेक्स्ट डे मिस्टर जॉन्स गॉट 90 मोर एग, ही नाउ हैज। अभी इसका जो हमें आंसर मिला था 28, इस 28 को 90 के साथ ऐड करना है, बाद में हमें पता करना है कि और उनके पास कितने कितने एग और हो गए। तो ये देखेंगे हम करके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अभी तो पहले हमारे क्या थे 28, तो 28 यहाँ पे राइट करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे 90 है तो ये 90 भी राइट करेंगे और उसके बाद एडिशन करेंगे हम। ओके तो चलो अभी एडिशन करते हैं, यहाँ पे एडिशन करने के बाद पता चलेगा हमें कितना है। तो 8 + 9 हाउ मेनी, 8 + 9 चलो 8 के बाद के 9 नंबर काउंट करके देखते, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 16 सॉरी 17 हाउ मेनी 17 हम डायरेक्टली लिखेंगे या नहीं, 17 का हम 7 यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी बाद में हम क्या करेंगे, 1 + 2 = 3 and 3 + 1 = 4 मीन्स 47 हमें आंसर क्या मिलता है, 47। तो हम 47 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम 47 लिखेंगे। ओके इसके बाद नेक्स्ट डे वेनसडे को क्या हुआ देखते, नेक्स्ट डे वेनसडे व्हेन मिस्टर जॉन्स वॉज कीपिंग द एग इन अ बास्केट। फिर नेक्स्ट डे वेनसडे को मिस्टर जॉन ने क्या किया, एक बास्केट में पूरे जो 47 एग थे वो उस बास्केट में रख दिए। देन क्या हुआ, 15 एग ब्रोक में टूट गए। तो उन 47 में से कितने ब्रोक हो गए, मीन्स कितने, 15 एग फूट गए। तो उसके बाद नाउ देयर आर, अभी उसके पास कितने रिमेन रह गए, मीन्स अभी हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे हम, फिर से हम एक ब्रैकेट निकालते हैं यहाँ पे, टेंस वंस अभी माइनस करना है हमें। तो पहले हमारा आंसर क्या आया था, 47, तो यहाँ पे 47 राइट करेंगे और उसमें से हमें माइनस कितना करना है, 15
अभी इसको सॉल्व करेंगे हम. ओके, 7 माइनस फाइव हाउ मेनी, 7 माइनस फाइव 2 इज अ रिमेन एंड 4 माइनस 1 3 इज अ रिमेन. अभी मिस्टर जॉन्स के पास कितने रिमेन रह गए, 32 रिमेन रह गए. अभी यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, फिर 37. ओके, अभी इसके बाद 2 एग्जाम्पल से वो आपको सॉल्व करने हैं. मीन्स मैंने मंडे ट्यूजडे वेनसडे सॉल्व करके बताया, अभी थर्सडे और फ्राइडे आपको सॉल्व करना है. तो अभी यहाँ पे हमारा लास्ट का आंसर है 32, तो यहाँ पे आपको 32 लिखना है. और मैं नेक्स्ट डे का क्वेश्चन भी रीड करके बताती हूँ क्या करना है, बट करके नहीं बताऊँगी, ओनली रीड करके बताती हूँ और उसमें क्या करना है वो भी बताने वाली हूँ. तो अच्छे से आपको सुनना है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका ही लॉस होगा. और ये जो पूरा जो होमवर्क है आज का, वो मुझे आज के आज आपको सेंड करना है. मैं चेक करके आपको बताऊंगी कि करेक्ट है या रॉन्ग. ओके, ट्यूजडे मिस्टर जॉन्स वेंट टू सेल द एग. सेल मीन्स वो एग को बिकने के लिए ले गए मार्केट में. ठीक है, मिस्टर एलियर गेव हिम 11 मोर एग टू सेल. सो ही टू हाउ मेनी एग टू सेल. अभी उनके पास कितने रिमेन रह गए, फिर कौन उन्होंने फिर से कितने लिए, एलियर गेव हिम 11, अभी इनके पास है 32 और मिस्टर जॉन ने मार्केट से कितने लेकर आए, 11 एग लेकर आए. तो फिर क्या करना है आपको, 32 प्लस 11 करना है. बाद में आपको उसकी एडिशन करते हैं, मीन्स मिलाना है इनको, मीन्स एडिशन करनी है. ओके, एडिशन के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे राइट करना है. उसके बाद आपको फ्राइडे को क्या करना है, ही सोल्ड 27 एग, मिस्टर जॉन्स हैज हाउ मेनी एग लेफ्ट हिम. फिर से आपको जो इनका आंसर आएगा उसमें से 27 को माइनस करना है और जो लास्ट का हमारा आंसर आएगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि मिस्टर जॉन्स के बाद जॉन्स के पास कितने एग रिमेन रह गए. ओके, आई होप आपको आज का ये जो एग्जाम्पल वर्कशीट के एग्जाम्पल से वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर नहीं आए हैं, कोई डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज या कॉल कर सकते हो. ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड डू द स्टडी.